नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं डेली न्यूज अलर्ट में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो जानिए मौसम समाचार, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो अपलोड किया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जी हाँ दोस्तों, मौसम समाचार लेकर आए डेली न्यूज अलर्ट आपकी सेवा में पेश करने जा रहे हैं दोस्तों। तो राजस्थान में मौसम समाचार जानिए। राजस्थान में पहले आ रहा है मानसून। जी हाँ दोस्तों, 5 दिन पहले आएगा मानसून और नौतपा का असर भी है कम। तो 2020 में 50 डिग्री था मई का पारा, इस बार 47 से आगे नहीं बढ़ा। तो मौसम विभाग ने इस बार राजस्थान में समय से पहले मानसून आने के संकेत दिए। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी 2 जून तक प्रदेश के जयपुर, भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा संभाग के कई जिलों में बादल छाने, तेज आंधी चलने और कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। वहीं इस बार मानसून भी 20 जून के आसपास आने की संभावना जताई जा रही है, यानी इस बार हर साल की तुलना में 4 से 5 दिन पहले यहां मानसून पहुंच जाएगा। राज्य में इस साल नौतपा का असर भी पिछले 3 साल की तुलना में थोड़ा कम रहा। इसके पीछे कारण प्रदेश में बन रहा साइक्लोनिक सिस्टम है, जिसके कारण मौसम में बदलाव हुआ और बारिश के आसार बने। वहीं इससे पहले आए चक्रवाती तूफान ताऊते के प्रभाव के कारण भी पारा ज़्यादा नहीं चढ़ पाया। मौसम विभाग से मिले डेटा को देखें तो पिछले 3 साल में जयपुर में मई के आखिरी सप्ताह में अधिकतम तापमान 44 से 45 डिग्री के आसपास रहा, जो इस बार 40 से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच है। प्रदेश की मौसम की बात करें तो बीते 2 दिनों से अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। बारिश के कारण भले ही तापमान में ज़्यादा गिरावट नहीं हुई, लेकिन बढ़ोतरी भी नहीं हुई। शुक्रवार को प्रदेश के 8 शहरों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। इसमें सबसे ज़्यादा तापमान गंगानगर में 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बादल छाने और तेज हवा चलने के साथ साथ कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। तो चूरू में पहुंचा था 50 डिग्री तापमान। साल 2020 में तो नौतपा के दौरान सबसे अधिक तापमान चूरू में 50 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ था। इसके अलावा साल 2019 में मई के अंतिम सप्ताह में गंगानगर में 49 और चूरू में 48.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। वहीं 2018 में चूरू गंगानगर में तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ था। तो बता दें आपको कि समय से पहले आएगा मानसून। तो प्रदेश में दक्षिणी पश्चिम मानसून जो अरब सागर से आता है, उसके 20 जून तक आने की संभावना जताई गई है, जबकि प्रदेश में अमूमन मानसून का प्रवेश जून के आखिरी सप्ताह में होता है। मौसम विज्ञान से जुड़े एक्सपर्ट की माने तो मौजूदा समय में जो सिस्टम बना हुआ है वह मानसून के अनुकूल है। अगर दक्षिण की ओर से आने वाले हाई प्रेशर हवाएं धीमी पड़ती है तो मानसून के आने में देरी भी हो सकती है। तो प्रदेश में आज गर्मी से लोग बेहाल। तो राजस्थान में आज के मौसम की बात करें तो शुक्रवार को ही बारिश और आंधी के बाद भी लोगों को गर्मी कोई खास राहत नहीं मिली। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर सहित प्रदेश के सभी शहरों में आज मौसम पूरी तरह साफ रहा। जोधपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर में रात का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। तो मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम विक्षोभ का प्रभाव अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आज भी अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के कुछ एरिया में देर शाम तक हल्के बादल छाने के साथ तेज आंधी चलने की संभावना जताई है। वहीं बीकानेर, जोधपुर, जयपुर संभाग के कुछ एरिया में लू चलने की संभावना जताई है। तो बता दें आपको कि गंगानगर, चूरू, बीकानेर दिन का तापमान 44 डिग्री तक पहुंचा। तो ये बड़ी खबर दोस्तों, खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आपके लिए बेहतरीन खबरें लेकर आता रहेगा डेली न्यूज़ अलर्ट। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।